कर्मचारी कल्याण सेवा समिति की ओर से आज हम लोगों ने बरेली के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके ये मांग की है कि जल्द ही मंडला आयुक्त महोदय ने जो वित्तीय अनियमितताओं के दोषी मामले में बरेली कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ FIR के आदेश दिए हैं उस पर FIR कराई जाए दोषियों के खिलाफ। यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों ने ये कहा है ज्ञापन के माध्यम से कि एक सप्ताह का हम समय देते हैं, एक सप्ताह बाद हम उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे, क्योंकि बरेली कॉलेज बरेली में लंबे समय से वित्तीय अनियमितताएँ हो रही थीं और जिनकी शिकायतें हमारे संगठन के द्वारा शासन में भी की गई थी। उसके बाद शासन के निर्देश पे ही बरेली के उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय से जिला प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें भारी अनियमितताएं सामने आई हैं, उनको पकड़ा गया, अखबारों में लगातार चर्चा रही है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि जिला प्रशासन ने तो आदेश कर दिया क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को, लेकिन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और उन्होंने ये कहा कि हम कानूनी राय ले रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कानूनी राय जल्द लीजिए और जल्द उनके खिलाफ FIR करिए, अन्यथा कर्मचारी कल्याण सेवा समिति, बरेली कॉलेज प्रबंधन, जिसे दोषी आपने पाया है, उसके खिलाफ FIR नहीं करते हैं तो आपके कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देगी। इंकलाब जिंदाबाद।